श्री को मेरा सत प्रणाम ये मैंने ज्ञान 6 फरवरी सन 2011 में जयपुर में लिया था तीन साल हो गए मुझे मुझे वैसे ज्ञान से काफ़ी फायदा है लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं मेरा बन पाता है मेरा यहाँ भी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे नेगेटिव विचार बहुत आते हैं तो उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूँ नहीं मगर नेगेटिव बताएंगे तो क्या नाम आपका दिनेश हाँ दिनेश को तो दिनेश जी को बताने का चलो तो हमने बताया दस नेगेटिव अभी कोई पॉजिटिव है उसमें पे जो चेक करो तो पांच पॉजिटिव चलो अभी दादाजी से शक्ति मांगो अब जुदा रह के जैसे स्टीयरिंग हमारे हाथ में है तो हम लेफ्ट के बदले राइट में मोड़ सकते हैं तो ये उपाय करो नेगेटिव या पॉजिटिव है किसका दिनेश का आप जुदा हो ये बुद्धि बुद्धि के पास दोनों विजन है नेगेटिव बता सकती है कि ऐसा ऐसा नुकसान हो जाएगा ऐसा ऐसा ओके अभी पॉजिटिव बताओ क्या हो सकता है तो पॉजिटिव बताओ अभी पॉजिटिव के लिए शक्ति मांगो हे दादा भगवान इस पॉजिटिव में रह के व्यवहार पूरा करने की शक्ति दो तो ये उपाय से आगे बढ़ो जुदा रखने का और पॉजिटिव का अरे नेगेटिव में से पॉजिटिव बता के पॉजिटिव में शक्ति मांगने की और पॉजिटिव के लिए आगे बढ़ने का और तो भी अहंकार बुद्धि दखल करते हैं तो बोलो चलो दस मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो दादाजी से प्रार्थना करो हे दादा भगवान आपको सौंप देते हैं हम पॉजिटिव में रहेंगे हमें फाइल का संभाव से निकाल करने की शक्ति दो ऐसे करा के उपाय लगा दो सेट करो धीरे 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 रिजल्ट मिलते जाएगा और हमें मालूम है कि हम नेगेटिव सोचते वही रिजल्ट आएगा आता है ऐसा नहीं आता हाँ तो ये, ये हम सोचते वो रिजल्ट आता नहीं है नहीं आता। और पॉजिटिव सोचे तो भी आएगा कि नहीं भी आएगा तो फिर हमारा सोचा हुआ वेस्ट गया क्योंकि होने वाला है वो रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सबकॉन्शल एविडेंस है हम क्यों ना पॉजिटिव रहे क्योंकि हमारा पॉजिटिव भाव है वो वन ऑफ द एविडेंस है और काल क्षेत्र संजोग निमित्त मिलके कार्य होने वाला है तो फ्रॉम योर साइड इट इज़ वन परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट तो दूसरे एविडेंस के ऊपर आधारित है तो हम क्यों डिस्टर्ब हो जाए हम पॉजिटिव नहीं पहुँचना है ज़रूर करना है छोड़ दो बाद में और तो भी उसका भी आगे की बात यह है कौशिक के पास निश्चय कराओ और नेगेटिव आ गया तो पहले भी आपने नेगेटिव सोचा तो भी अच्छा हुआ तो फिर पॉजिटिव रहो तो नेगेटिव मत करो पॉजिटिव रहो देखो क्या होता है तो जुदा रखने से बुद्धि का दखल कम होते जाएंगे और बुद्धि के पास ही हम आने कौशिक ये दिनेश के पास ही हम कराते हैं दिनेश पॉजिट करो निश्चय करो शक्ति मांगो तो धीरे धीरे नेगेटिविटी टूटते जाएगी जुदा रखने से क्या है वो प्रकृति को पावर नहीं मिलता है बाद में जो है डिस्चार्ज पावर उसे वो इन्फॉर्मेशन देंगे, मगर उसका एक्शन में नहीं हम लाएंगे हमें तो आज का ज्ञान है उसकी जागृति में हम रहेंगे समझ में आया होगा? एक प्रश्न और था तो, मेरा बेटा है, कहना नहीं मानता है मैं उसे क्या उसे डांट कभी कभी मुझे मैं सोचता हूं डांटना नहीं चाहिए आपका कौशिक कहाँ मानता है दिनेश कहा मानता है आपका छोड़ो अभी क्या उपाय करो समझा के काम लो अच्छा समझा के बेटा मेरा ओपिनियन है ऐसा करो तो अच्छा है मुझे नहीं करना है ठीक है तो आप सोचना है, छोड़ दो क्योंकि वो भी खुद की मनमानी नहीं करता वो भी व्यवस्थित के अधीन हो रहा है उसे अगर कहना, कहना कहना छोड़ दूं, ना नहीं, छोड़ नहीं दो या तो ओपिनियन इन्फॉर्मेशन दो अगर मत रखो मैंने कहा तू तो क्यों नहीं करता है मेरा अब समझ लो फर्स्ट पूछने आए तो अभी देखो ग्यारह में है यानी पंद्रह सोलह साल का तो हो गया पंद्रह साल का है हाँ तो अभी उसको इन्फॉर्मेशन तो समझा के काम करो बेटा फ्रेंडली जैसे दो फ्रेंड है चलो आज तो ये मूवी नहीं नहीं अभी परीक्षा का टाइम नहीं जाना है तो दोनों कर सकते हैं डिस्कशन फ्रेंडली टोन में बात करो बाप हूँ मैं तू मेरा बेटा मेरा क्यों नहीं मानता अरे कोई किसी का बंधन में आने के लिए इच्छा नहीं है हमें क्या है कि भाई वो भी शुद्धात्मा है फाइल है संभव से निकाल करना है और उसका समाधान हो जाए ऐसे शब्दों से बात करो बेटा मेरी इच्छा है कि तू ये ये अभी बिजनेस का सोचना मत तू अभी पहले पढ़ाई का पूरा कर और बाद में बिजनेस के लिए सोचेंगे ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है मेरा ओपिनियन है उनको डिसाइड करने दो कि तुझे क्या इच्छा होती है तू डिसाइड कर क्योंकि मेरी इच्छा है कि अभी तू मत सोच इसके लिए ऐसा करके छोड़ दो जितना आप छोड़ते जाओगे तो उतना वो स्वीकार करेगा एक्सेप्ट करेगा अरे आप आग्रह रखोगे तो आग्रह के लिए वो रिएक्शन में क्या ये बात बोलते रहेगा उसकी कुछ सुनने जैसा ही नहीं है नेगेटिव होते जाएगा हमारे मतलब है ना एक ही निश्चय करो को समझा के काम लेना है आग्रह नहीं रखना है और एक्सप्लेनेशन करके छोड़ दो बस डिसीजन आप मत लो उसको लेने दो और एक देखो हम भी सोलह साल के थे तब कितना डिसीजन हमने खुद लिया भी होगा माँ बाप को पता लगे या उनके विरुद्ध में भी और कुछ ठोकर लगने के बाद अनुभव हुआ होगा तो हमें वो अनुभव हुआ तो उसको अनुभव लेने दो अनुभव लेने हाँ हमारा इन्फॉर्मेशन उसको रहेगी कि तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है ये करेगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा आपको इन्फॉर्मेशन में देता हूँ आप सोचना डिसीजन लेना छोड़ दो धीरे धीरे दिर उसको प्रेम आएगा नहीं पप्पा जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन तो अच्छी दिया था मैंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे नुकसान हुआ दूसरी बार उनकी सुनने जैसा है धीरे धीरे बॉन्डेज बढ़ेगा और दूसरा उपाय ये करोगे बचपन से लेके आज तक कितनी बार उसको आग्रह से कुछ आक्षेप दिया है तो ऐसा मेरा सुनता ही नहीं तो बस तेरी ये करता है ऐसे उसको दुख पहुंचाया है तो तो वो प्रतिकोण करते जाओ तो धीरे धीरे उसको कुछ स्वीकार ये क्या होता है कि मैं बाप हूं मेरी सुनता नहीं तो हमारा अहंकार से उसकी बुद्धि बंद हो जाती है दरवाजे बंद हो जाते हैं सुनने के लिए तैयारी नहीं है उसकी मत पांच दस साल का है वहां तक थोड़ा थोड़ा सुनता था बाद में धीरे धीरे हमारा एक्सेस बढ़ते गया अभी उसने दरवाजे बंद कर दिए सुनने के लिए तैयारी नहीं उसकी अभी वो दौरा बजा कभी खोलेगा हमारे तरफ से जोर कम होएगा तो आग्रह कम होएगा तो तो एक साल में नहीं होएगा पंद्रह साल तक फोर्स हुआ है तो एक दो साल जाएंगे भी सही तब तक हम जोर नहीं करेंगे आग्रह नहीं रखेंगे समझा के काम लेंगे छोड़ देंगे हो सके कभी वाइफ को बोलने का दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालने का कि तेरी सुनता है तो इतना इन्फॉर्मेशन दे इसको मेरे से तुम तो बात करना नहीं चाहता है छोड़ दो और धीरे धीरे आग्रह जितने नहीं रखेंगे मैं तो एक ही तीन शब्द देता हूँ बच्चों के साथ व्यवहार करने में आग्रह मत रखो अपेक्षा मत रखो और ओपिनियन मत दो ट्रिपल ए ये ऐसा ही है मेरी सुनेगा ही नहीं ऐसे ओपिनियन आके बाद में बात चलो बेटा तेरे तुझे, तुझे मैं कहता हूँ ये देखो बब मालूम है तू मेरी सुनने वाला ही नहीं है वो अभिप्राय ही पहले पर्दा लगा देते बाद में हमारे शब्द पहुँचेगा ही नहीं बाद में आग्रह रखेंगे तो भी शब्द फेंक देगा और अपेक्षा रखोगे बस मेरा सुनता ही नहीं वो भी गलती है हमारी हम उसके पास डीलिंग कैसे करना वो समझ लेना चाहिए दादाजी की बहुत अच्छी किताब है माँ बाप बच्चों का व्यवहार और निरुमा की बहुत सारी कैसेट है बच्चों का व्यवहार बहुत हेल्प हो जाएगी जरूर स्टडी में लो आप बस आपका आशीर्वाद चाहिए जय सचिद मोहन कुमार लुधियाना मैंने बारह और तेरह में ज्ञान लिया था आपसे बहुत फर्क तो बहुत है मुझे दूसरों के दोष बहुत कम दिखाई देते हैं अपने दिखाई देते हैं ज्यादा लेकिन ये दो आज्ञा जो है इस पर मैं पहले वाली दो आज्ञा में चल नहीं पाता हूँ जब किसी से बात करता हूँ भूल जाता हूँ हरकत नहीं ये क्योंकि कर्म खत्म किए बिना वाला ज्ञान है ये डिस्चार्ज कर्म का उदय होएगा तब जागृति नहीं रहेगी पर कर्म पूरा हुआ कि तुरंत जागृति आ जाएगी वो तो आ जाती है जागृति और दूसरा उपाय ये करोगे भाई पूरा होने के बाद जागृति आई तो उसमें हरीश जी से कुछ गलती हो गई उसके प्रतिक्रमण कराओ वो प्रतिक्रमण तो हो जाता है तो फिर धीरे धीरे अभी आप ही सोचो एक साल पहले और आज कुछ जागृति बढ़ी कि नहीं नहीं जागृति तो काफी बस तो वही धीरे तो धीरे डिस्चार्ज कर्म खत्म होते जाएंगे जुदापन की जागृति बढ़ते जाएगी उसका एक और उपाय है दो उपाय फर्स्ट हरीश जी के साथ बात करने का क्या हरी सुबह उठो तो तक आईने के पास जाके हरीश जी जय सचिदानंद तबीयत अच्छी है चलो आज दादाजी की आज्ञा में रहेंगे किसी को दुख नहीं देना ऐसे बातचीत करने के प्रश करता है जी जरा धीरे करो आराम से करो क्यों भाई करते हो कॉन्वर्सेशन <laughs> ठीक है फाइल वन के साथ कॉन्वर्सेशन करना उससे जुदापन की जागृति बहुत बढ़ती है और वही पहली दो आज्ञा आई जाती है रिलेटिव को जुदा रख के रियल में रहना तो जो भी हो रहा है वो हरीश का है और रिलेटिव है और रियल उसको जानने वाला है वो खुद है और बाद में दूसरा पांच आज्ञा रोज निश्चय करने का मुझे पांच आज्ञा में रहना है सभी को शुद्धात्मा स्वरूप से देखना है हुआ सुव्यवस्थित फाइलों का संभाव से निकाल करना है रोज रात को 10-15 मिनट निकालो कहाँ मेरी आज्ञा में बुलझुप हो गई है किसी को शुद्धात्मा देखे बिना कौन कौन रह गए तो जो 10-15-20 सारे दिन में पचास आदमी मिले तो सबको याद करके रिलेटिव से पैकिंग रियल में शुद्धात्मा हो दृष्टि से सेट से करो रोज इतना प्रैक्टिस करते जाओगे आवरण टूटते जाएंगे जागृति बढ़ते जाएगी दूसरी तीसरी आज्ञा पकड़ो कि भाई हुआ तो व्यवस्थित किसको दोषी ये थे? तो याद रहता है ये बस... तो जग, कोई चीज भी गलती होती है याद आ जाता है ये तो एक चीज यार भाव और विचार में क्या फर्क है चार्ज वो भाव बोला जाता है डिस्चार्ज वो विचार है अच्छा। अभी भाव याने मैं हरीश हूँ वो आरोपित भाव को चार्ज बोला जाता बहुत सूक्ष्मतम है और जो ये भाव होता है बस ये इतने सारे लोग आए हैं मुझे सबको खाना खिलाने का आइसक्रीम खिलाने वो भाव वो डिस्चार्ज भाव उसको इच्छा बोला जाता है अच्छा भाव इतना सूक्ष्म है वो भाव यानी आरोपित भाव पर क्षेत्र में मैं हूं मानना मैं ही हरीश हूं मानना वो आरोपित भाव को ही भाव बोला जाता है और ये जो भाव आते हैं मुझे कि सबको इच्छा है इतना पांच हजार दान देना है मेरा भाव है बहुत वो भाव को इच्छा बोला वो हरीश का भाव है आत्मा का नहीं है आत्मा का भाव वो चार्ज भाव बोला जाता है उसे दूसरे भाव के कर्म चार्ज होते हैं और ये डिस्चार्ज विचार यानी क्या है मन वचन और काया तीन बैटरियां चार्ज होते जाती है अज्ञानता से मैंने मैं हरी हूं मैंने किया मैंने सोच के काम किया तो मन की बैटरी चार्ज होती है मैं इतने इतना कहा तो वाणी की बैटरी चार्ज हो मैं काम करता हूँ मैंने किया अहंकार से ये तीन बैटरियां चार्ज होती और अहंकार वही मैं हरीश हूं मैंने किया वो भाव को आरोपित भाव बोला वो भाव कर्म से हेमंत बच्चन कहा कि तेन बैटरियां चार्ज होते जाती है और दूसरी लाइफ में डिस्चार्ज होगी आज विचार आएंगे वाणी निकलेंगी वर्तन होगा वो तीनों डिस्चार्ज है डिस्चार्ज को भाव नहीं वो डिस्चार्ज परिणाम है उस टाइम पे मैंने किया मैंने कितना अच्छा कहा सब खुश हो गए तो मैंने कहा वो भाव चार्ज भाव है ठीक है और वो अभी ज्ञान के बाद टूट जाता है अभी हरीश कहा मैं तो शुतात्मा हूं ये जागृति रहने से नए चार्ज बंद हो गए और डिस्चार्ज परिणाम है और धीरे धीरे समभाव से निकाल करते जाएंगे अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा कि मुझे रोना बहुत किसी की दुख दर्दी ही सोचता तो रोना आ जाता है आ, तो ये जुदा रखने का हरीश को होता है अच्छा और प्रार्थना करो कि उनके दुख दर्द चले जाए इसी कृपा करो ये शुद्धात्मा भगवान भाई साहब को शक्ति दो समता भाव से दर्द और दुख पूरा कर सके ऐसे शुद्धात्मा को प्रार्थना करो ठीक है धन्यवाद मोहन कुमार लखतियाना दीपक भाई मैं छः सात महीने से टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और अनुभव भी मेरे को बहुत अच्छे हुए हैं जब से मैंने आप बुक्स वगैरह स्टडी करी और प्रो टी पर भी बहुत प्रोग्राम देखे जो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा और लेकिन जब से प्रोग्राम के जैसे पंद्रह दिन पहले मेरे को एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी लग भी मैं आ ना सकूँ इस तरह का सिचुएशन बन गई मेरी लाइफ में लेकिन फिर भी दादा भगवान का नाम लेता रहा सुबह उठकर शाम को भी और रात को भी प्रोग्राम देखा निरुमा का तो पता भी नहीं लगा कैसे टाइम निकल गया और मैं आ भी गया बच्चों के एग्ज़ाम थे फाइनल उनको भी मैं सेटल करके आ गया बच्चों आप एग्ज़ाम दो तो मैं और मेरी वाइफ दोनों आए हैं ज्ञान विधि में तो अच्छा एकदम मतलब जॉब में भी प्रॉब्लम आ गई अच्छा। सब जगह मतलब सेहत में भी सब जगह ऐसे हो गया था मेरे साथ ये क्यों हुआ कि भाई यहाँ आ कर ना सकें ये ऐसा माहौल बना देती है मतलब जो भी विषय बेकार होते हैं जो भी मतलब आर्थिक स्थिति भी ऐसी हो गई एकदम से नहीं वो अलग चीज़ है वो था ही था जीव जीवन में कर्मों के फल जो आने वाले थे वन के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक वो तो आके ही रहते हैं पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें ज्ञान की लिंक मिल गई ये तो कर्म फल नहीं सत्संग में आते तो भी आने वाला था और सत्संग यहां नहीं है कि दूसरा कोई नौकरी धंधा करो तो भी ये कर्म आने वाला था ये कर्म तो था ही था पर अभी नया हमें मिल गया संभाव से निकाल करने का बुरे कर्म के टाइम पहले अज्ञानता में क्या करते थे दूसरे को दोषित देख देते थे दूसरे को दुख दे देते थे कि हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा कर देंगे तू तो समझती नहीं शांति रख ये क्यों अभी समझ में आएगा ना किसी को दुख नहीं देना है संभाव से निकाल करना है तो ये ज्ञान से बुरे कर्म जो फल स्वरूप आते हैं तो भीतर में समझ रहती है समता रहती है और वही दूसरे भाव के कर्म बंधन से हमें बचाने वाली जागृति रहती है और वो सबसे बड़ा फायदा है लोग क्या बोलते हैं मैं सत्संग में आया मेरा कर्म बिगड़ गया ऐसा नहीं है ये तो था बिगड़ा हुआ कर्म कभी न कभी फल तो देने वाला ही था पर सत्संग में रहने से नया बिगड़ने भी, वाला कॉजिस भाग सुधार दिया हमने समझ में आया जी 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 पहले मेरे को नींद नहीं आती थी लेकिन जब से मतलब समझ में आया दादाजी का थोड़ी थोड़ी बात तो है मेरे को नींद आने लग गई काफी अच्छा लगा अनुभव बहुत अच्छा रहा अभी कल ज्ञान मिल जाएगा और जागृति की चाबी आगे की मिलती जाएगी आपको जय सचिद जय सचिद उषा जैन भूतकाल में पुराने समय में हमारे साथ जो भी कुछ हो गया उसे भूल जाना चाहिए कोई हमारे साथ कोई गलत करे कुछ करे और उस वक्त अगर क्रोध आए तो उसे बाद में भूल जाओ परंतु दोबारा फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर दोबारा उसी तरह का पुरानी बातें सब याद आ जाती है फिर क्रोध आता है और मन में बुरी भावनाएं पैदा होती हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ऐसे लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे क्यों दुख दिया मेरा क्यों इंसल्ट किया सबके बीच में मुझे क्यों ऐसे आक्षेप दिए वो दोषी दिखते रहता है जहाँ तक वहाँ जब तक वो दोषी दिखते रहेगा वहाँ तक हमारे दोष हमें दिखेंगे नहीं सामने वाला दोषी दिखते रहेगा तब तक ये भुगतवा भुगतने का जो दुख है वो बंद नहीं होएगा पहले समझना चाहिए कि वो उसने कहा कि किसको कहा वो भी अभी ज्ञान दृष्टिकल ज्ञान लेने के बाद जागृति मिलेगी आपको कि वो बोलने वाला जुदा है खुद शुद्धात्मा जुदा है और जिसे कहा ऊषा को कहा मुझे नहीं मैं भी शुद्धात्मा हूँ और ईषा को जब कहा किसी ने इंसल्ट किया आक्षेप दिया तो समझना चाहिए को पुराना कर्म मैंने गुना किया था उसका दंड आया है उसका दोष नहीं है नहीं एक आदमी किसी स्टोर में चोरी करे तो पुलिस वाला उसको जेल में डालेगा तीन महीना तक उसको सजा मिलती है कि नहीं जी तो समझना उसको क्या समझ में आ गया पुलिस वाला खराब बुना बुरा आदमी नहीं है मैंने गुना किया चोरी का उसके लिए मुझे दंड आया है तो ऐसे संसार भी अज्ञानता में कर्म बीज डाल दिए थे गुना किया था अभी दंड आता है फैमिली ये आसपास वाले सब कर्म के फल देने वाले हैं हमारे ही कर्म बुरे अच्छे दोनों के फल आते हैं जी। अभी समझना चाहिए कि उनका दोष नहीं मेरा हिस्सा पूरा किया कि इनका दोष नहीं है तो जितना निर्दोष देख के हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे तो ये दुख भी कम होएगा दोष भी कम होएगा समझ में आया आप और जितनी बार ये हुआ भोगवट आया बीच में मन में मेरे साथ ऐसे क्यों किया तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के माफी मांगने की नहीं आपका दोष नहीं मेरा हिसाब है मुझे हिसाब से मुक्त करो और आप भी मुक्त हो जाओ मुझे कोई राग द्वेष मोह में नहीं रहना है हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो संभाव से निकाल करो यादव शर्मा जैसे ये ज्ञान तो लिया हुआ है उसका प्रभाव भी अपने जीवन में काफी है परंतु जब ठोस कर्म का फल जब आता है ना उस वक्त तो थोड़ा इसकी सारी ये सफाई जैसी लग जाती है कि भाई क्या हुआ और वो जो चीज है वो मन से एकदम मतलब छूट नहीं पाता है क्या ये कारण कलयुग के स्थिति के परिणाम की वजह से है या कुछ हमें अपनी इंटरनल उसकी वजह से है क्या कमी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ का नहीं कमी तो कमी कोई किसी की नहीं है मगर यह कर्म खत्म नहीं किया और ज्ञान मिल गया क्रमिक यार्ग क्रमिक यार, यार क्रमिक मार्ग यानी क्या एक एक कर्म परिग्रह छोड़ते जाएंगे व्यवहार कम करते जाएंगे नौकरी धंधा छोड़ते जाएंगे घर परिवार छोड़ते जाएंगे और आत्मा के प्रति यानी गुरु के पास जाके ये छोड़ते छोड़ते जाना वो क्रमिक मार्ग है तो उसको कर्म छोड़ दिए तो फिर इतना तकलीफ भी नहीं आएगी हमें तो पूरा परिग्रह है और आत्मा की जागृति मिली अभी एक एक दोष को संभाव से निकाल करते जाएंगे हम क्या परिग्रह को नहीं छोड़ते घर को नहीं छोड़ते घर की ममता को छोड़ते हैं नौकरी नहीं छोड़ने की नौकरी के लिए जो रागद्वेश होते थे उसको छोड़ना है और छोड़ना भी नहीं उसके आगे की बात है ज्ञान में रहना है कि ये यादव काम कर रहा है मैं जुदा हूं ये नौकरी की फाइल है संभाव से निकाल करना है घर व्यक्ति फाइल है संभाव से निकाल करना है यानी हम जागृति में रहते भीतर में शुद्धात्मा की जागृति में के राग और द्वेष न हो जाए संभव रहे उसका पुरुषार्थ करते हैं तो ये कर्म के फल अभी अज्ञानता में कलयुग में जो वो बात सच्ची है ये कलयुग में हम आए तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रेस कम में बांध के आए हैं कॉम्प्लेक्स याने कॉम्प्लेक्सिटी है और कॉम्प्रेस यानी जैसे रो रू, रोई रहती है कॉटन उसको नहीं प्रेशर देके वन स्क्वायर फीट बनाया उसको खोलेंगे तो सारी रूम में भर जाता रू तो ये प्रेशर से कॉम्पैक्ट किया है तो कर्मों का इतना कॉम्पैक्ट कर्म है सुबह उठो वहाँ से कर्म के फल भुगतने के सारे दिन देखो ना अभी हम इतना दस बारह दिन यात्रा में थे वो ख़त्म करके ये कर्म आया इधर से दो दिन के बाद वापस अहमदाबाद जाएंगे वहाँ दो दिन करके तीसरे दिन वापस सुरेंद्रनगर जाने का इतने कर्म लेके आया है टाइम ही नहीं निरंतर कर्म के फल भुगत इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर्म कॉम्प्रेस कर्म और कॉम्प्लेक्सिटी किसको बोला जाता है मैं आपको बताऊँ मुझे ये इच्छा नहीं ये है ऐसे देखो मेरे लिए ऐसे मानता अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था मैं कहूँ क्या आपको समझ में आया है क्या और आप बोलो मुझे गलत गलत, गलत समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो कर्मों की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्रेस कर्म वाले हम हैं सुबह से लेकर रात तक भागते दौड़ते रहो और कर्म पूरा नहीं हो पाता ऐसा कलयुग का टाइम आया है अभी क्या होएगा धीरे धीरे अभी जैसे टाँकी टंकी है पचास हजार लीटर है तो नया भरना बंद हो गया डिस्चार्ज है धीरे धीरे कम होते जाएगा तो अभी टाइम भी बचेगा स्पेस अवकाश मिलेगा जागृति के लिए टाइम रहेगा विधि वांचन करने के लिए टाइम रहेगा आत्मा की जागृति का पुरुषार्थ में टाइम बचेगा हमारे पास वो तो कॉम्प्लेक्सिटी कंप्रेस वाला कर्म अभी कम होते जाएगा बढ़ेगा नहीं अभी समझ में आया जी। क्योंकि इनकमिंग कॉक बंद कर दिया अभी आउट गोइंग ओनली चालू है कर्म चार्ज करने का बंद हो गया है डिस्चार्ज अभी धीरे धीरे कम होते जाएगा ना हमें जागृति बढ़ते जाएगी समझ में आया ना ये क्या सत्संग से भी हमारा तो स्वर्ग बढ़ सकता है ना तो बहुत बड़ेगा सत्संग तो मस्ट है क्योंकि अज्ञान का परिचय कुसंग लोक संज्ञान से अज्ञानता का परिचय है और वो अज्ञानता यानी क्रोध मान माया मायालो बढ़ाने वाली बातें हैं और सत्संग से ज्ञान का परिचय होता है और क्रोध मान माया लोग खत्म करने की चाबी मिलती है यानी प्रत्यक्ष सत्संग इसके लिए हम तो बता दादाजी बताया था कि साल में तीन घंटा निकालो बारह तेरह दिन शिविर में आ जाओ सारी साल का पावर भर जाएगा मगर बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि यह अज्ञान का परिचय टूटना चाहिए और ज्ञान की जागृति के लिए परिचय चाहिए हम तो एक एग्जाम्पल बताते थे कि तीन हमारा लड़का है कॉलेज में एडमिशन मिल गया मेडिकल में इसके लिए वो डॉक्टर बोला जाएगा नहीं कम से कम पाँच साल उसको पढ़ाई करनी पड़ती है तो यहाँ पढ़ाई वो तीन दिन निकालने पड़ते साल में या तीन घंटा निकालो प्रत्यक्ष सत्संग तो बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि अनंत अवतार से अज्ञान का ही परिचय एक अवतार ज्ञान का परिचय में रहेंगे तो सारा अवतार का दुख मिट जाएगा अनंत अवतार का दुख मिट जाएगा तो आज हमें यहाँ चंडीगढ़ में आपका सत्संग का ये सहयोग मिला आपका तो हम बहुत आपके आभारी हैं और हम इच्छा जताते हैं कि इसके साथ साथ तो हम हिमाचल से हैं तो हिमाचल में भी आपका इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें मिले बहुत ऐसी कामना है धन्यवाद बहुत अच्छा है। ये क्या है कहाँ भी सत्संग के लिए आपकी अपेक्षा रहती है हम क्या बताएंगे आप पाँच पच्चीस लोग इकट्ठा होकर पहले सत्संग करो <laughs> या तो आपके फ्रेंड सर्कल वहाँ से यहाँ लेके आओ या अहमदाबाद लेके आओ कुछ पाँच दस आदमी ज्ञान लेके तैयार होंगे बाद में आप तो पुत्र आएंगे बाद में मेरा सत्संग का प्रोग्राम रखेंगे कुछ ना कुछ हमारी भी भावना है कि एक ज्ञानता का माहौल दुनिया से टूटना चाहिए दुराचार भ्रष्टाचार विकार सब टूटने चाहिए और शांति मिले ज्ञान मिले सबको अरे कैसे सोच सकता है तो पांच दस आदमी के इकट्ठा होके हो करते रहे धीरे धीरे सेंटर बढ़ेगा तो तो क्या शांति मिलेगी सबको जय सचिद प्रियंका जय सचिदानंद मेरा प्रश्न ये है कि जो दादाजी को ज्ञान हुआ तो उनमें उसे किस कैसे पता चला कि जो सुमिंदर स्वामी है उनका महाविद्या क्षेत्र कहाँ पे है और ये पद्मावती देवी इनका कैसे पता चला वो सब दिखाई दिया उनको अनुभव में आया उनको सूक्ष्म जो जगत की हकीकत है सब समझ में आ गई उनको ये मतलब ऐसे स्वप्न में या फिर वैसे ही नहीं स्वप्न नहीं जागृत अवस्था थे तीन डिग्री तक पहुँचे तीन पूरी नहीं हो गई और इतनी सारी जगत की हकीकत परमाणु के रहस्य क्या है कर का, काल तत्व क्षेत्र तत्व गति सहायक तत्व सब सब तत्वों की बात समझ में आ गई सिर्फ थोड़ा कुछ बाकी रह गया चार डिग्री कमी ताकि जगत की हकीकत सब समझ में अनुभव में आ गई उनको जो ऋषभ देव है इसके तीर्थंकर भगवान हैं वो भी उनका तो बुक्स में भी है लेकिन इनका कहीं पर नहीं है स्वामी का थोड़े बहुत थोड़ी जगह पे है उनके कुछ किताबें में है किताबेंगे दादाजी को अनुभव आया बाकी हकीकत क्या है वो सब उन्होंने बताई है छोटी किताब है प्रत्यक्ष वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी उसमें है थोड़ा कुछ और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने एक एग्जाम दिया था अपना उसमें मैं डिसक्वालीफाई हुई तो उससे मुझे अब मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हूँ तो मुझे लगता है नहीं पता नहीं क्या होगा इसमें जैसे ही तैयारी करनी शुरू करती हूँ फिर नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं हाँ मगर अभी उपाय करो हमें मालूम नहीं रिजल्ट क्या आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव हम प्रयत्न पॉजिटिव करेंगे दस मिनट दादा भगवान के असीम जयकार बोलो बुद्धि अहंकार को बोलो हम पॉजिटिव रहेंगे ट्राई करेंगे नहीं आ गया तो वापस ट्राई करेंगे धीरे धीरे निश्चय करोगे तो सब समझा रहे और एक क्वेश्चन मेरी मम्मी का है कि <coughs> भाई वो किसी का भी संभाव से निकाल करते हैं तो तो वो उसका उल्टा समझते हैं नहीं तो भी हमें उनका वो दोष नहीं है हमारी कुछ गलती है तो प्रतिकोण करेंगे yes. गलती मैं अपने हिसाब से नहीं सोचती कि मैं कोई गलती कर रही फिर भी मुझे सब बुराई ये ही मिलती है घर में हाँ जब तो मैं सबके तो लिए प्यार से सब सारी फाइलों का संभाव से निकाल करती हूँ फिर भी फाइल नंबर टू भी और बच्चे बेटे भी दोनों ए, ये समझ लो ये पूर्व का हिसाब पूरा हो रहा है नया तो हम सम्भाव रखते वो हमारा नया पुरुषार्थ है अपनी तरफ से मैं रोज सोचती हूँ पांच आज्ञा मतलब नहीं, इतना करो ये शुद्धात्मा को प्रार्थना करो बच्चे के पति के हे शुद्धात्मा भगवान ये फाइल को मेरे मन वचन काय से दुख नहीं देना है सम्भाव से निकाल करना है मुझे शक्ति दो बस पांच बार दस बार शक्ति मांगो और शुद्धात्मा को प्रार्थना करो समझ में आप कृपा करे दीपक भाई हाँ। आशीर्वाद दें हाँ जी कि मैं ऐसे दो दो बार चरण विधि भी करती हूँ फिर भी मतलब समय की नहीं कर पाती नहीं वो करते रहो और प्रतिक्रमण करते रहो बात में करेंगे